साथियों, इस दुनिया में हमारी जिंदगी में तीन गुरु होते हैं। एक होती है हमारी माँ, एक होते हैं हमारे पिता, और तीसरे होते हैं हमारे गुरुजी, हमारे टीचर्स, जो हमें मार्गदर्शन भी देते हैं समय समय पर और हमारी लाइफ में हमारी गलतियों से सिखाते हैं, चाहे वो डांट के हो चाहे प्यार से हो। लेकिन आज मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण बताऊंगा। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं शिव कुमार सिंह, आप लोग का स्वागत है। और हम आ चुके हैं कमल सर एकेडमी, कमल एकेडमी, जो कि रिसाली बीएसपी मार्केट में स्थित है, कई सालों से स्थित है और कई साल का उनका अनुभव है। कॉमर्स गुरु है, साथ के साथ कंप्यूटर क्लासेस भी सबकी चलती है, पीजीडीसी डीसी वोकेशनल ट्रेनिंग सारी चीज रहती है। तो आज हम उनका जो जीवन प्रेरणा है वो बच्चों को अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। और कई बच्चों के वो गुरु रहे, कई बच्चों के वो हीरो रहे, और उनकी अपनी लाइफ में उनके स्ट्रगल को करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे, वो आप लोग को यहाँ सीखने मिलेगा। साथ के साथ हम जानेंगे सीए के बारे में, सीडब्ल्यूए के बारे में, बच्चे कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, वो सब बातें जो मार्गदर्शन में रहती है वो हम आज कमल सर से करें। तो आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। सर, आपका गूंज लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि बच्चे कॉमर्स में क्या पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, साथ के साथ कंप्यूटर का आपका जो अनुभव रहा है, सारी चीज रही, इससे संबंधित सवाल हम आपसे करने आए हैं जी। तो मार्गदर्शन प्रोग्राम है सर, इसमें गुरुजी लोग का मार्गदर्शन रहता है बच्चों के लिए। तो सर, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा बचपन के बारे में अपने बताइए, कहाँ से आप हैं, क्या करते थे जी। मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ है वो रिसाली से ही हुआ है। मैं रिसाली के 34 नंबर स्कूल से क्लास 5 तक, फिर उसके बाद हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में क्लास 12 तक की एजुकेशन हुई है। उसके बाद मेरा कॉलेज जो है वो साइंस कॉलेज दुर्ग, जो अभी आपका तामस का महाविद्यालय है, और कल्याण कॉलेज से मैंने मास्टर डिग्री की। और मैं विगत 23 वर्षों से कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ। मतलब मैंने जैसे ही एम कॉम किया है, उस एम कॉम के फाइनल ईयर के बाद से ही मैंने पढ़ाना चालू कर दिया है। तो मैं शुरू से ही कॉमर्स की क्लासेस जो है वो ले रहा हूँ, और साथ साथ में मैं कंप्यूटर की क्लासेस भी मैं लेता हूँ। लेकिन उसमें वो चीजें होती है कि जैसे बेसिक कोर्स कराने हैं जो कॉमर्स के बच्चे, उनको मुझे टैली करानी है, ये जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो मैं कराते हैं। बाकी हमारे यहाँ और भी स्टाफ हैं जो यहाँ पर डीसीए पीजीडीसी की क्लासेस भी रन करते हैं, तो वो स्टाफ जो है वो अपने कॉमर्स की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं जी। और मेरा एजुकेशन जो है यहाँ पर पूरा क्लास 3 से लेकर, पहले हम दुर्ग में रहा करते थे, फिर क्लास 3 से लेकर के पूरा 12 कॉलेज तक की एजुकेशन जो है वो यही हुई है, कोई भिलाई नहीं। अच्छा जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि बचपन का कुछ सपना रहा था कि कोचिंग लाइन में आना है, गुरुजी बनना है, या सपना कुछ और था, ये कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना, क्योंकि पहले के टाइम में अगर मैं बात करता हूँ कोचिंग नहीं थी। हाँ। और कोचिंग खोलना बहुत एक प्रकार से लगता था कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, पैसा हम डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा। पहले स्कूलों का भी चलन नहीं था, बीएसपी, पहले बीएसपी स्कूल से पढ़ाई की है। तो ये डिसीजन कैसे हुआ और क्या बनना चाहते थे? अब सर, इसके बारे में तो कहना यह है कि पहले तो जैसा सब बच्चे पढ़ते हैं वैसा हमने पढ़ा, फिर उसके बाद उस समय ऐसा कोई कैरियर के बारे में आगे बताने वाले भी उतने ज्यादा नहीं थे जितने आज की डेट में अवेलेबल है, है ना। तो हमको अपने समय के हिसाब से डिसीजन हमने खुद लिया। और दूसरी चीज ये होती है कि हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो एक सरकारी नौकरी सबसे पहले ज्वाइन करे, घर वाले की भी एक प्रेशर होती है कि करें, उसकी तैयारी भी हमने की, परीक्षा भी दिए। अब ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कहीं मेहनत में कमी हो या ऊपर वाले ने नहीं लिखा, है ना। फिर उसके बाद हमने घर से ही चालू किया 2-4 बच्चों से पढ़ाना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम मार्केट में आए सन 2005 से, फिर उसके बाद हम लगातार अभी बीएसपी मार्केट में ही इतने दिनों से चल रहे। मतलब हर बच्चे का जो सपना होता है वो हमारा भी था जी, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो सफल नहीं हो पाया है। तो धीरे धीरे करके हमको जिस राह पे सफलता मिली उसी पे मेहनत किए, और आज 23 सालों से अब शिक्षा धारी में शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा जी, कॉमर्स लाइन में ही आगे बढ़ना चाहते। हाँ, हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन ही कॉमर्स में, पहले हमने 12 तक साइंस में क्लास की। अच्छा। फिर बाद में हमने सब्जेक्ट चेंज किया कॉलेज में आकर के, फिर उसके बाद हम कॉमर्स ही पढ़े, एम कॉम तक पढ़ाई की, उस समय भी हमने कंप्यूटर सीखा, हमने शॉर्ट हैंड सीखा, तो वो सारी चीजें जो एक कॉमर्स लाइन के लिए चाहिए थी वो सारी चीजें हमने ली, और उसी का उपयोग हम आज तक कर रहे हैं। अच्छा जी। तो इस दौरान क्या कुछ सीखने को मिला कि लाइफ में, एक जब स्टूडेंट थे आप, आज गुरु जी स्टूडेंट थे,
तो उस समय में आपके जो गुरुजी हैं वो कौन थे, कौन रहे? मतलब आप तो आज हजारों बच्चों के गुरु हैं, लेकिन आपके गुरुजी कौन हैं और उसके बाद आप जो सीखे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब जब हम पढ़ रहे थे तो हम पहले तो कॉलेज में हमारे जो सर थे उन लोग से पढ़े कॉलेज से, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भी ट्यूशन किया। उस समय भी ट्यूशन में हम मौदा में यही मौदा सेक्टर में ही पहले सुनील देशमुख करके सर पढ़ाते थे, है ना। वो फिलहाल नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन उस समय वो पढ़ाया करते थे। वो उस समय बहुत ज्यादा ही अच्छे फेमस सर थे वो, तो उनके पास हमने अपने कोचिंग क्लास, हमने वहां से अपनी शिक्षा ली। वही हमारे गुरु हम मानते हैं कि उन्होंने हमको पढ़ाया है। और उसके बाद फिर अब ये है कि पढ़ाते पढ़ाते अब सोचे कि 23 साल के सफर में एक जनरेशन चेंज हो जाता है, तो उस समय के स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, है ना। समय के हिसाब से हमको बदलना पड़ता है, लेकिन इसमें हमने अभी तक ये मैंने देखा कि हम बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही रहना चाहते हैं और ऐसे ही अभी अब तक हमने इसको मेंटेन किया है। क्योंकि बच्चों को अगर सिखाना है तो आपको बच्चों के लेवल पे ही रहना है, है ना। तो बच्चों से ऊपर अगर ज्यादा जाते हैं तो वो हमारे रेंज से बाहर होते हैं या हम उनके रेंज से बाहर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के साथ अगर रहना है तो बच्चों के लेवल को ही मेंटेन करते हुए हमको चलना है, लेकिन उनको उनके साथ साथ ग्रोथ भी देना है। तो समय के अनुसार हम बच्चों में जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी हम साथ साथ में एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो जिसके कारण ये समझिए कि बच्चे भी हमको सिखाते हैं, तो बच्चे भी एक गुरु ही मानते हैं, क्योंकि वो हमको समय के साथ सिखाते हैं कि आपको अब क्या चेंजेस लाने हैं। तो इसके हिसाब से मान के चलिए कि हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसको बच्चे हमको सिखा रहे हैं कि अब आपको एक नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको बच्चों के साथ कैसे रहना है, अभी बच्चों को क्या पसंद है, तो उनके हिसाब से भी हमको मैनेज करना पड़ता है। और वो चीजें बच्चे भी हमको सिखाते हैं, इसलिए हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो कुछ बच्चे हमको सिखाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात, हमेशा अपना जो दिमाग है और अपना जो व्यवहार है हमेशा खुला रखना चाहिए शिक्षा के लिए, चाहे वो कहीं से भी शिक्षा मिले, है ना। बच्चे भी गलत नहीं है, बच्चे भी हमको सिखाते हैं, वहीं से शुरुआत होती है सीखने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि समय के अनुसार आपको आज की डेट में रहना जरूरी है। सही बात है। अब समय की बात आपने करी है तो थोड़ा सा बात करते कोरोना से संबंधित। एक दौर आया, सब हर चीज पहले एक जमाना होता था, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स है, किताब है, हमारे पिताजी वगैरह बोलते थे पढ़ो किताब पढ़ो, वो भी टीचर थे, गुरुजी थे, तो उन्होंने शुरुआत से किताब और ये सब पे जोर दिया। आज 2017-18 के बाद जो ऑनलाइन हुई चीजें उससे क्या फर्क पड़ा है एजुकेशन लाइन में, कॉमर्स लाइन में, क्या देखते हैं आप? अब सिर्फ कॉमर्स में नहीं, इसमें तो पूरे एजुकेशन सेक्टर में चेंज आया। सबसे पहला चीज था कि वो एक दर्दनाक समय था, है ना, सभी सेक्टर के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहा, है ना, क्योंकि इसमें ही भीड़ इकट्ठा होती है और इसी में फैलने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया कि इसी को सबसे ज्यादा रोक लगाना जरूरी है। जी, जी, जी। तो वो एक तरीके से उस समय के हिसाब से ठीक था, लेकिन जो उनपे डिपेंड है जितने भी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो उस समय तक टेक्नोलॉजी किसी ने अडॉप्ट किया ही नहीं था, क्योंकि आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई थी। अलग दौर के भाई, हम जो है फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं, हम सामने फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय हमने कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि हमको कभी एक दिन कैमरे के सामने बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, हमको क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, है ना, वो सीखा ही नहीं थे। तो जिन लोगों ने इस अपडेशन को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया उनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। और जो समय के अनुसार अपने आप को तुरंत बदल लिए, जिन्होंने उस समय की नीड को पहचाना, वो शायद आज तक उस समय के टाइम को उन्होंने काट लिया कह सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर अब उनको नया दौर फिर से मिला है, तो अब ये सीखने को मिला है कोरोना काल के टाइम से कि आपको टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करना है और आपको जो पुराना ट्रेंड है उसको भी चलाना है। इसलिए दोनों चीजों को अब साथ लेके चलना जरूरी है, क्योंकि अब फ्यूचर में अब बच्चे टेक्नोलॉजी से अवेयर है, अब टेक्नोलॉजी से कारण है तो आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सारी चीजों में अवेलेबल होना जरूरी है। साथ साथ आप लाइव भी पढ़ाइए, है ना, ऑनलाइन क्लासरूम क्लास भी कीजिए, तो वो सारी चीजों को आप साथ में लेके चलना, मतलब सिंगल तरीके से अगर आप काम करेंगे तो अब नहीं चलेंगे। अब आपको काम करना है तो सारे प्लेटफॉर्म को यूज करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अब जो है नेट पे ज्यादा है। सही बात है। और उस पर डिपेंडेंसी बढ़ गई, मतलब फायदे तो पहले कुछ लोग, कुछ बच्चे थे, आज आपको कोई भी देख सकता है बाहर। हाँ, अब आपका दायरा बढ़ गया, दायरा बढ़ गया, आप सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। हाँ। आप एक घर के अंदर रहकर भी आप जो है पूरे ऑल इंडिया में क्लासेस रन कर सकते हैं। हाँ जी, सर लोग सारी क्लासेस पहले जानते थे, हमने भी अपना पूरा क्लास जो है ऑनलाइन के टाइम में ऑनलाइन ही पढ़ाया पूरा कोविड पीरियड में, तो हम जूम का, इसका, गूगल मीट का और कई एप्लीकेशन का यूज किया है और पूरे टाइम हमने ऑनलाइन क्लास लिए, मतलब हमारा क्लास तो कोरोना काल के टाइम में भी बंद नहीं हुआ था। जी, जी, और इस एरिया में हम ही थे जो चला रहे थे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
कि वो तूफान था, तूफान था और उसमें कल की गारंटी नहीं थी। सही बात जी। तो इसमें मैं ये जानना चाहता था सर, इस फील्ड में जो बच्चे आना चाहते हैं कॉमर्स लाइन में, वो क्या करें, कैसे वो इस फील्ड को चुने, मतलब आगे जाकर के क्या स्कोप है उनके लिए, ये थोड़ा सा। कॉमर्स का फील्ड सब आज की डेट में सबसे बड़ा फील्ड है सर, और ये आप सोच भी सकते हैं कि इस साल जो मैक्सिमम एडमिशन हुए हैं कॉमर्स में ही ज्यादा हुए हैं, है ना। साइंस में लोग कम है, कॉमर्स में ज्यादा है, और जो साइंस पढ़ते हैं वो भी गलत नहीं है, पढ़ना ही है, लेकिन जो समय जॉब की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, सोचिए कि एक इंजीनियर पढ़ा हुआ बच्चा भी एमबीए करता है, है ना, बायोलॉजी पढ़ के भी लोग एमबीए में आते हैं, आर्ट्स पढ़ के भी लोग एमबीए में आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको कॉमर्स में आना पड़ता है, है ना। अब सीए बनना है आपको, सीएमए करना है, सीएस करना है, तो उसमें तो कॉमर्स के बच्चे ऑलरेडी रहते ही हैं, है ना, और उसमें उनको जरूरी भी है कि ये सब चीजें प्रोफेशनल क्लासेस भी वो ज्वाइन करें, जैसे कि साइंस का बच्चा नीट की तैयारी करता है, है ना, उनको पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनके पास स्कोप उस चीजों में ये रहता है कि उनके पास एक कॉलेज है जिसमें उनको एडमिशन लेना है, रेगुलर पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि खुद से रजिस्ट्रेशन कराना है, खुद से प्रिपरेशन करना है, आपको इंस्टीट्यूट के कोर्सेज लेने हैं, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है जी। इसमें टाइम पर्टिकुलर कोई क्लास आपको अवेलेबल ऐसे नहीं हो पाता, कोचिंग करना पड़ता है, या किसी सेंटर में है उसके ऑफिस, वहां से आपकी क्लासेस लेनी पड़ती है जी, जी, तो वहां से आप क्लास ले सकते हैं, तो इसमें बृहद स्कोप है, लेकिन हर स्कोप आपको मेहनत मांगता है। लोग सोचते हैं कि कॉमर्स एक सरल सब्जेक्ट है, कम पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, जैसा आप एक साइंस के बच्चे को तैयारी करना पड़ता है उतना ही या उससे ज्यादा आपको कॉमर्स में भी उतने ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं जी। नहीं तो सिर्फ आप बी कॉम एम कॉम और रेगुलर प्रोसेस जो है वो कर पाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा। तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एफर्ट लगाना है, और कभी भी जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो डिसीजन आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए करना है कि मैं किसमें एफर्ट लगा सकता हूँ। कभी भी दोस्त को देखते हुए कि वो दोस्त ये पढ़ रहा था मैं भी पढ़ लेता हूँ, वो डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, अपनी क्षमता को खुद देखना जरूरी है कि मैं उतना एफर्ट लगा सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ। मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आने ज्यादा इजी लगता है कि मुझे थ्योरी याद करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से आप सीएमए करना है कि सीएस करना है कि सीए करना है, वो डिसीजन बच्चे को अपने से लेना चाहिए, वो किसी के बहकावे में आकर के या किसी को देख करके वो लेना नहीं चाहिए। अच्छा सर, बेसिक अंतर क्या है सीएस सीएमए, अंतर क्या है, बेसिक अंतर थोड़ा बता। तीनों चीजें सर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं पहली चीज, लेकिन सबका फील्ड अलग है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको अकाउंटेंट, मतलब आप सीए बन रहे हैं मतलब अकाउंटेंट में जा रहे हैं, है ना, सीएमए कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंट में जा रहे हैं, सीए से कंपनी सेक्रेटरी में जा रहे हैं, तो तीनों चीजें अलग अलग है लेकिन प्रोसेस सबका लगभग एक जैसा ही है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ऐसे कहा जाता है कि सीए के लिए बहुत पैसा लगता है, ऐसा लोगों की सोच है, पैसा मतलब नहीं कैसे, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें कितना बच्चों को या पेरेंट्स लोग को बैकअप कितना क्या रखना पड़ेगा, खर्चा क्या है, ये वो तो है। देखो जो पैसा है वो तो सिर्फ कोचिंग की फीस है। हाँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका 6000 में आपका फंडामेंटल का रजिस्ट्रेशन और फाउंडेशन का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, वहां से आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप अगर ऐसे रजिस्ट्रेशन बस बोलेंगे तो आपको तो 6-7 हजार में आपका सारा काम हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद उस बुक को पढ़ना है, समझना है, एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपए खर्चा होगा, तो ऐसे बेसिक जो आपका इंस्टीट्यूट को आप जो दे रहे हैं वो 6-7 हजार रुपए दे रहे हैं। अब बात आता है कि आप कैसे कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, वहां की फीस कितनी है, उसके हिसाब से आपके खर्चे, भाई आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे जितनी फैसिलिटी लेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा, तो इसलिए ऐसा महंगा है जैसा वर्ड नहीं है, सब सबकी अपनी अपनी फीस होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए कोई चीज महंगा नहीं है। भाई ऐसे सोचो कि आपको मेडिकल पढ़ने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, महंगा तो वो भी है ना, लेकिन ये होता है कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपको मेहनत लगाना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो 2-3% ही है, लेकिन उस 2-3% के अंदर आपको आना है तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक बार में आप सक्सेस होंगे इसकी गारंटी बहुत कम है, लक बाय चांस, लेकिन आप जितने ज्यादा बार प्रिपेयर होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा सर, 12th के बाद बच्चे को कॉमर्स लाइन से पढ़ा है, 12th के बाद उसको आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है और क्या करना चाहिए उसके बाद? देखिए सर, यूनिवर्सिटी तो मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता कि वो इसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहिए, यूनिवर्सिटी सब ठीक है, है ना, वो कह रहा ठीक नहीं है। अब वो डिपेंड करता है बच्चा अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर आप हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी लोग पढ़ते हैं, अभी एक कुछ और नए यूनिवर्सिटी भी यहाँ, अभी तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है,
अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे की चॉइस क्या है और वो कहाँ पढ़ना चाहता है, और हम किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोल सकते कि वो यूनिवर्सिटी अच्छा है और ये यूनिवर्सिटी जो है वो ठीक नहीं है। अब वो तो उनको जाकर के कॉलेज में खुद पता करना है, खुद ही लेना है, और वहां से उनको प्रोस्पेक्टस लेना है, स्टडी करना है, उसके बाद एडमिशन लेना है। तो आजकल बच्चे तो वो सब चीजें कर ही लेते हैं, इसलिए उनको हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा है या खराब है। गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह, गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे हैं, वहाँ तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो ज्यादा अच्छा है, वहाँ फीस भी कम लगती है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन पे पारंपरिक ज्यादा है। मतलब कौन कौन से हैं कॉलेज यहाँ, जैसे जो बच्चा टेंथ वगैरह नहीं है जो देख रहा है हमारे, जहाँ ट्वेल्थ में यहाँ, अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपका दुर्ग में ही है ना, दूसरा जो आपका महिला आपका गर्ल्स कॉलेज है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पर आप करेंगे तो आपको वहाँ पर कम फीस में भी एडमिशन होता है। और वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर ही जो है वो वेल क्वालिफाइड है, इसलिए वहाँ पर एजुकेशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए बच्चे को रेगुलर क्लास करनी है और उसको ही स्टडी करना है। जी अच्छा, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसको करने के लिए बच्चे को किस तरीके से माइंड सेटअप, अपना माइंड सेट बनाना है, कितने घंटे उसको पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, थोड़ा सा बताइए। उसके लिए सर उसको कम से कम ये मान के चलिए कि डेली 8 से 10 घंटे तो पढ़ने हैं। जी जी जी, है ना, क्योंकि उसमें डीपली स्टडी करना पड़ता है, रेगुलर क्लासेस करनी है, कोचिंग कर रहे होंगे या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको जो है रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, और 8 से 10 घंटा रोज चाहिए। जी एफर्ट लगाने में कहने मतलब वही है ना, आपको लिखना भी है, सिर्फ रटना है ऐसा नहीं है, आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, आज की डेट में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टाइम आप उसमें लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जी अच्छा सर, ये तो बात कॉमर्स की हो गई, थोड़ा कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर का कोचिंग भी है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो अपना कितने साल से आप हैं और इसके बारे में थोड़ा बताइए। कंप्यूटर तो सर उतने ही साल से जितने साल से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही जो है दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा जी, मेरा शुरू से एक ख्वाहिश था, जब मैं इस लाइन पे आया हूँ तो मैं एक ही जगह में सारी चीजें अवेलेबल कराऊ, तो इसकी कंप्यूटर के लिए भी कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो भी नीड है। तो इसीलिए उस समय से सबसे पहले तो हम बेसिक और टेली क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चला ही रहे शुरू से। उस समय हमने जब चालू किया था तो टेली 5.4, 6.3, 7.2 ऐसे करके अभी हम टेली प्राइम तक की क्लासेस आज यहाँ पर ले रहे हैं। जी, और डीसी क्लास करते हुए कम से कम अभी 6 साल हो गए, तो उसकी क्लासेस भी हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। जी तो स्कोप सर, इसकी स्कोप बोलते हैं, अब स्कोप बोले कि सब जगह है, जहां पर भी आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसमें आप पढ़ते ही होंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 साल का डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है, तो उसके लिए तो आपको पीजीडीसी डीसी करना कंपलसरी है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या खुद से अगर आपको अकाउंटेंट का काम करना है तो टैली कंपलसरी है। अच्छा, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना, और आज की डेट में हर बच्चे को बेसिक कोर्स तो आना ही है, क्योंकि आना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आजकल कोई भी काम नहीं है, भाई मोबाइल में चला रहे तो कंप्यूटर के फंक्शन है। और आज की डेट में बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियन भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए गार्जियन भी आकर के हमारे पास सीखते हैं, क्योंकि उनको भी घर में बच्चा सिस्टम, बच्चे के लिए सिस्टम नहीं है, बच्चा उतना यूज नहीं करता है, तो आजकल उनकी मम्मी है ना, उनके फादर है और कोई भी रिलेटिव है जो घर में है, वो खाली टाइम का यूटिलाइज उस पर कर सके, नेट चला सके, उसमें कोई आजकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है तो घर में प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बना ले, टाइप कर सके, तो वो सारी चीजें काम करने के लिए बेसिक नॉलेज सबको जरूरी होता है, तो बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ करके सीख लेते हैं, फिर घर में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी जी, ऐसा है। अच्छा, ये सब में चाहे कॉमर्स हो, चाहे कॉमर्स में जैसे प्रोफेशनल डिग्री है वो, उसके अलावा पीजीडी डीसी, ये सब में मीडियम का क्या फर्क पड़ता है सर? मीडियम का कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ना, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, है ना, बीकॉम करिए चाहे बीएससी करिए। हाँ, इसमें रहता है कि कंप्यूटर में आप करते हैं तो उसमें आप समझिए हिंदी, उसको इंग्लिश कह सकते हैं आप, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, है ना, आप उसमें जो कंप्यूटर की भाषा है उसको तो पूरा पूरा आप हिंदी लिख नहीं सकते और पूरा पूरा आप इंग्लिश भी नहीं लिख सकते अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो वहां पर मिक्स लैंग्वेज भी काम आ जाता है। अच्छा, ऐसा है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो प्योर इंग्लिश लिख सकता है ना, लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा जो है वो इंग्लिश में लिख सकता है, ये एक फैसिलिटी है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है, कोई वर्ड ऐसे जो हिंदी में बच्चे को पता नहीं चलता, किसी को अगर बताएं तो वो भी मुश्किल है ना, अगर मुझे मॉनिटर लिखना है तो मॉनिटर ही लिखना पड़ेगा उसको, उसको और शुद्ध हिंदी अगर बोलेंगे तो बच्चे की समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको लिखना ही है। अगर मैं कीबोर्ड को कुंजी कहूँ तो ज्यादा खतरा हो जाएगा, इसलिए कीबोर्ड बच्चा समझता है। जी जी। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी आप करवाते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटी तो हमारे यहाँ नहीं है। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहता था सर, मीडियम में
जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं सीए, उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादा बाजी मान लेते हैं, ऐसा लोगों का सोचना ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है सर, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लाइन पे जा रहे हैं, हिंदी से आए हैं उनके लिए इंग्लिश क्योंकि अननोन लैंग्वेज है, उनको बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए बच्चों को कैसा प्रिपरेशन करना रहता है, क्या रहता है, क्योंकि डबल उसके लिए उनको हिंदी के साथ इंग्लिश सीखना जरूरी है सर। जी जी जी, इंग्लिश कंपलसरी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि पहली चीज तो आपको पूरे स्टडी मटेरियल हिंदी में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप मान लीजिए पास भी कर गए, लेकिन आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहां पर मैक्सिमम हिंदी ही इंग्लिश ही इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश आपको आना ही है जब अकाउंटेंट आप बन रहे हैं, है ना। तो भाई आपको डेट सोचे आज की डेट में सिंपल फॉर्म भी आपको इंग्लिश में मिलता है, तो उस इंग्लिश के फॉर्म को भरने के लिए एटलीस्ट आपको इंग्लिश आना चाहिए, है ना। कई बुक ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं अवेलेबल है, इंग्लिश पढ़ना है, फिर आप एक कॉर्पोरेट लाइन पे जाएंगे आगे जाकर के, वहाँ हिंदी चलता ही नहीं है लगभग, तो इसलिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। अब बिना इंग्लिश के तो मैं समझता हूँ कि आप आगे बढ़ पाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। अगर आपको काम करना है तो उसके मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम के लोग मिलते हैं, या इंग्लिश में बात करने वाले मिलते हैं, या आप समझ तो सकते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। जी, तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए। जी, अच्छा, इसमें मैं एक चीज जानना चाहता था सर, ये आप गुरुजी के तौर पर इतने साल रहे, वर्क करें, तो जब छात्रों से आप बात करते हैं, छात्रों को किस हिसाब से उनको टैकल करते हैं, किस हिसाब से तैयार करते हैं, और एक गुरुजी के तौर पर क्या रोल रहता है एक टीचर का कि बच्चों को कैसे समझना है, क्योंकि मान लीजिए 20 बच्चे हैं क्लास में, अलग अलग सबका लेवल है, उस हिसाब से कैसे तैयारी एक गुरुजी के तौर पर करानी चाहिए और गुरुजी लोग को, और आप कैसे टैकल करते हैं? नहीं, अब मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि पहले तो मुझे हर बच्चे को ये देखना पड़ता है कि उसका क्या उसका मोटिव है, है ना, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको समझता कैसे है, है ना, उसके अंदर क्या कमजोरी है, फिर उसके हिसाब से उसको टैकल करना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जो आप एक क्वेश्चन बनाइए सारे क्वेश्चन वो अपने से बना सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों में होता है कि वो रटने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कुछ बच्चों में होता है कि जो यहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ से बाहर जाके भूल जाते हैं, है ना। तो सबको आप पर्सनल एडवाइस देना पड़ता है कि तुम्हारे लिए ये चीज बेटर है, तुमको ये चीज करना चाहिए। अगर आप लिख सकते हो, लिख के कर सकते हो, तो लिख के याद करो। अगर आप एक बार में देख के समझ जाते हैं तो देख के याद करो। हम यहाँ पर जैसे ऑनलाइन हम जो पढ़ाते हैं उसमें वीडियो क्लासेस भी बनाते हैं और वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ के भी जाते हैं, फिर अगर वो घर में रिवीजन कर रहे हैं या बना रहे हैं और नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो वो दोबारा देख सकते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें ये, अब जैसे कोरोना की देन है मान के चले, पहले तो ये नहीं होता था, पहले हम सिर्फ कॉपी में ही नोट बनाते थे, है ना। अब ये हो गया कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसको एक वीडियो लेक्चर के रूप में लेते हैं और वो हम बच्चों को देते हैं कि हम यहाँ पर भी हैं और आपके घर में भी आपके पास अवेलेबल है, और वो आपके पास हमेशा रहेगा जब तक आप पेपर नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आपके पास वीडियो लेक्चर्स की नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो बच्चा किसी भी स्टेटस का हो, चाहे वो एक बार में समझने वाला हो चाहे चार बार समझने वाला, वो अब ये हो गया कि हम उसको एक ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे वो कभी भी हमको ऐसा लगेगा कि हम उसको घर में पढ़ा ही रहे, और वो क्लासेस को वो आपको अगर कॉपी में यहाँ भी नोट नहीं कर पाएगा तो घर में बैठ के भी नोट कर सकते हैं। जी, अच्छा, मैं एक जानना चाहता था, एक चीज आपको पूछना चाहता था, पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से, क्योंकि भिलाई दुर्ग में खासतौर से हमारे यहाँ इधर पर एक शुरू से रहा है मेडिकल, है ना, और इंजीनियरिंग ये सब कर रहा है, और खासतौर से जब आप कोचिंग शुरू करे होंगे उस समय तो कॉमर्स का काफी तकलीफ आती थी, दिक्कत होती थी, और ये बड़ी बात है कि उस समय में आप लगे रहे और आज यहाँ तक है। तो पेरेंट्स को इसमें कुछ संदेश आप देना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को समझें? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए ये तो भावना रखना कि वो मैथ्स वाला है तो अच्छा है, कॉमर्स पढ़ा तो कमजोर है, ऐसा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपको बच्चों को गाइड करना है, प्रेशर नहीं करना, है ना, कि आपको यही बनना है। आपको आज की डेट में ये हो गया कि आपको बच्चे को की स्टडी को उसके माइंड स्टेटस को समझना पड़ेगा, है ना, कि ये बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग में जाने लायक है, कि वो कॉमर्स में जाने लायक है, कि वो आर्ट्स में जाने लायक है, है ना, कि वो एग्रीकल्चर में जाने लायक है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत है। अच्छा, दूसरी चीज ये होता है कि ये आप गार्जियन उनको प्रेशराइज भी कर देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, है ना, फिर उनके पास बच्चे का मन है नहीं है, है ना, फिर उनका टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा किसकी कोई गारंटी रहेगा, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज की डेट में तो ये है कि बच्चे के साथ फेमिलियर होना है, उससे पहले उसको पूछना है, उसके माइंड स्टेटस को समझना है, उसके बाद उसका कैरियर के बारे में उनको बताना है, न कि प्रेशराइज करना है, क्योंकि बच्चा वही पढ़ेगा जो उसको मन करता है। और अभी जो नई एजुकेशन सिस्टम आ गई उसमें तो पूरा ऑप्शन उनके पास ही है, बच्चों के पास, है ना। तो इसके हिसाब से ये मान के चलिए कि प्रेशराइज करने के बजाय, अच्छा, बच्चे आज की डेट में आगे के बारे में सोचते भी हैं,
ढूंढते भी हैं, लेकिन गार्जियन को इस बात का अवेयर होना है कि क्या वो बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, वो जो ढूंढ रहा है वो सही है कि नहीं है, है ना, उसके लिए उनके साथ उनको बातचीत करना जरूरी है। हालांकि आज के गार्जियन में ये आ गया है कि वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का व्यवहार रखते हैं, लेकिन उसमें उनको उनके एजुकेशन के बारे में उनको समझना जरूरी है, है ना, और उसके बाद वो जो स्टेप ले रहे हैं उस पे उनको इन्वॉल्व भी होना चाहिए। क्या कई बच्चों को पता, कई गार्जियन को तो यही पता नहीं होता कि बच्चा कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, है ना, कौन से कोचिंग में जा रहा है, टाइम टू टाइम जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। लेकिन उनको वो चीज, मैं कमी नहीं कह रहा उसको, मेरा कहने का मतलब ये कि वो व्यस्त है, है ना, तो उनको इसमें भी अब इंगेज होना पड़ेगा कि वो एडमिशन आखिर लिया कहाँ, पढ़ क्या रहा है, रेगुलर क्लासेस वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना, तो वहां पर क्योंकि आज का समय आप समझ रहे हैं कि वो बहुत बदल गया है ना, पहले उतनी चीजें नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है, इसलिए बच्चे के घर से लेकर कोचिंग या कॉलेज जाते तक रास्ते में बहुत सारी चीजें, मैं एकदम फ्री कहता हूँ, तो उसके लिए आपको गार्जियन को भी एक चीज चाहिए कि वो भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलिए कि देखें कि प्रॉपर टाइमिंग मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आखिरी में आपसे एक सवाल है कि अपने कोचिंग के बारे में कहाँ स्थित है ये थोड़ा बताइए। सर हमारा कोचिंग जो है वो हमको मार्केट में 20 साल हो गए, लेकिन 16 साल से बीएसपी मार्केट शॉप नंबर 81 रिसाली सेक्टर में स्थित है, और यहीं पर सारी क्लासेस एक साथ रन होती है। अच्छा। और हमारा ये जो है इस एरिया में समझ के चलिए कि वो पिछले 20 सालों से बीएसपी मार्केट में रहकर ही हम यहाँ के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमसे बहुत सारे बच्चे जो है लाभान्वित हो चुके हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप इंटरव्यू करने के टाइम निकाले, और आपको आने वाले समय में के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, बच्चों को शिक्षित करते रहे एक गुरु के तौर पर। तो साथियों, आपने देखा कमल सर अकेडमी हम लोग आए हैं यहाँ पर, सर का लाइफ स्ट्रगल पूरा जाना, सर से सवाल किए और जानने का प्रयास किया कि बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में किस तरीके से तैयारी करनी है, आगे वो कैसे पढ़ें, साथ के साथ इसमें कंप्यूटर का भी ऐड किया है सर ने, कंप्यूटर का भी थोड़ा जानकारी हमने ली। तो आप नीचे में नंबर दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ और भी सर से अगर काउंसलिंग करनी पूछनी है तो नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे भी नंबर दिए, हमसे भी नंबर ले सकते हैं सर का, साथ में नंबर सर का है और एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इस मार्गदर्शन एपिसोड में मैं फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ, आगे फिर मार्गदर्शन में आगे फिर किसी गुरुजी के साथ हम बैठ के रूबरू करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके लाइफ स्ट्रगल को और बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह अपने वीडियो एडिटर प्रशांत के साथ, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।